जो चंचल है उसका नाम मन है, और मन जिस सत्ता से जिस चेतना से चंचल है उसका नाम आत्मा है, उसका नाम चेतन है, उसका नाम अपने आप है। अपने आप, अपने आप में ठहर जाइए, आप आत्मा में ठहर गए। और जहां कुछ याद आ गई कहा जगत में चले गए, इतना निकट चाहे संयुक्त हो जाओ चाहे विमुक्त हो जाओ, लेकिन फिर सत्संग विवेक मधुरी आप ऐसी जगह पर आ गए हैं अपने पुण्य प्रताप से, और आपके भीतर भाव प्रभाव किसी प्रकार से भगवत नाम से संबंध जोड़े हुए। भगवान के लिए आप मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लाखों लोग नहीं जाते, वहां आप जाते हैं, जहां जाते हैं वही भगवान मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि देखने की आंख नहीं खुली। देखने की आंख खुल जाए बस इसी का नाम सत सत सत्संग है। सब के लिए कहीं जाना नहीं है, सब के लिए कहीं घूमना नहीं है, सब के लिए कहीं भटकना नहीं है, और संसार के चाहने वाले को कहीं ठहरना नहीं है। संसार को जहां चाहता है वो कहीं ठहर न पाएगा। संसार चलने से दिखाई प्रतीत होगा, प्राप्त न होगा। जिसकी प्रतीति होती है प्राप्ति नहीं होती, उसका नाम संसार है। तो चलने से संसार दिखेगा, प्रतीत होगा, ठहरने से परमात्मा। आपके समझ में आ जाए तो बड़ा सुंदर दृष्टांत है। पृथ्वी में आप चलते हो, पृथ्वी की याद नहीं रहती, इतने लोग बैठे हो, अपने अपने स्थानों से आपका शरीर निकल करके आया है, आया है, लेकिन जब आप धरती में पैर नींद खुलते ही आप उठे, आपकी आंख खुली, आपने देखा, अपने शयन स्थान से आपने नीचे पैर रखा, बहुत सच्चाई के साथ सोचो, जिस समय आपने धरती में पैर रखा आपको धरती याद आई, किसी को याद नहीं आई होगी कि मैं धरती में पैर रख रहा हूं, मैं पृथ्वी में पैर रख रहा हूं। इतना निकट जो तुम्हारे शरीर का आश्रय है पृथ्वी तत्व है, जिस पृथ्वी तत्व से ये शरीर बना है, और जिस पृथ्वी तत्व में ये शरीर रह रहा है, और जिस पृथ्वी तत्व में ये शरीर है, एकदम जला दिया जाएगा, मिल जाएगा, मट्टी हो जाएगा, उस शरीर के द्वारा पृथ्वी का ध्यान नहीं आता तो परमात्मा का ध्यान कैसे होगा? हो सकता है भी आंखों से नहीं सुने हुए शब्दों को कानों के द्वारा आप बुद्धि से विचार करें, तो अभी अभी आप देखें धरती में शरीर लेटा है, सोता है, सवेरे जागता है, और धरती में पैर रखता है, और दिन भर चलते बीत जाता है, उठते बैठते धरती की याद, पृथ्वी देवता की याद नहीं आती, तो परमात्मा देवता का पता कहाँ चलेगा? चल सकता है, बहुत सरल। धरती का पता लगाना शायद कठिन भी है, परमात्मा का तो पता ही नहीं लगाना। जितने पता लगाने के लिए हम लोग भटक रहे हैं, ये सारे पते की लगाने की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? परमात्मा से शुरू होती है। जहां से आरंभ होता है उसका नाम परमात्मा है। उसी प्रकार जहां से धरती में पैर रखते हैं चलना शुरू होता है, उसी का नाम पृथ्वी। तो जैसे चलने वाले पैर पृथ्वी में चलते हैं, पृथ्वी की याद नहीं आती, तैसे हमारा जो कुछ भी हम कह रहे हैं परमात्मा से शुरू होता है, परमात्मा की याद नहीं आती। किया करो जब व्यर्थ नहीं है, किया करो कीर्तन ये भी व्यर्थ न जाएगा, दौड़ो मंदिरों में करो दर्शन ये भी व्यर्थ नहीं जाएगा, साधु महात्माओं के दर्शन करो ये भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कब? जब कीर्तन करते करते, जप करते करते, महात्माओं के दर्शन करते करते, तीर्थों की यात्रा करते करते आपको ये पता चल जाए। क्या पता? जहां से सारी यात्राएं शुरू होती है वो वही परमात्मा मौजूद है। कितना सुंदर सत्ता, वही परमात्मा मौजूद है। सारी गतियों का आरंभ जिस सत्ता से हो रहा है, जिस चेतना से हो रहा है, उसको आत्मा कहते हैं। अब आत्मा जिसमें है उसको परमात्मा कहते हैं। देह में व्यापक तत्व चेतन आत्मा, और विश्व में व्यापक तत्व परमात्मा। कहां भागोगे, कहां भटकोगे? खोजते खोजते तो इतनी आयु बीत गई, पता नहीं है, भय लग रहा है, एक दिन हम मर जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे, डर लग रहा। और प्रत्येक बुद्धिमती देवी, प्रत्येक विद्वान यह जानता है, जो आए बिना न रहेगा उसका नाम मृत्यु, और गए बिना न रहेगा उसका नाम संयोग संसार। है किसी की ताकत की रोक ले आने को, है किसी की ताकत की रोक ले जाने को, भगवान राम के सामने, भगवान कृष्ण के सामने,
बड़े बड़े महापुरुषों के सामने, तीर्थंकर महावीर के सामने, भगवान बुद्ध के सामने, जो आया था छूटा, जो मिला था छूटा, जो आया था गया। इतना समझने के बाद हमारा प्रयत्न क्या है? हे भगवान, बने रहे, पेड़ बनी रहे, तो हमारे नाते पोते पति पत्नी सब बने रहे। कैसी मूर्खता, कैसी मूर्खता! आप लोग शायद कोई लगे, आप लोग तो सब बड़े ज्ञानी, लेकिन उस समय पता चलता है जब हाय हाय निकलती है। अगर होश आ जाए तो हाय हाय की जगह वाह वाह निकलती। किस बल पर? धन के बल पर नहीं, पति पत्नी के बल पर नहीं, पदाधिकार के बल पर नहीं, परमात्मा के ओवल भूत के बल पर वाह वाह निकले कि जो मिला है छूटने के लिए रहने वाला, मैं सदा परमात्मा में हूँ, वाह वाह वाह। ऐसा कह सको, ऐसा कह सको, इसी क्षण से कह सको कि तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है संसार में, संसार में तुम्हें कोई न रोक सकेगा। और ऐसा न कह सको तो परमात्मा को दिखाने वाला भी कोई नहीं, तुम्हें परमात्मा को कोई दिखा न सकेगा। चाहे जब देख लो क्यों उसको उसी में भी, और चाहे जब संसार के देख लो, सरकता ही चला जा रहा, जो सरकता ही चला जाए, हम उसके पीछे भागते चले जाए, उसका नाम संसार। अभी तक क्या हुआ? बाल्यावस्था खिसक गई, युवावस्था भी खिसकी जा रही है, किसी की वृद्धावस्था भी खिसकी जा रही है, जो मिला है छूटता जा रहा है, और हमारी नियत क्या है? उसके पीछे भाग रहे हैं। किसी का नाम वो पता है, किसी का नाम वो पता है, चाहे हम गीता पढ़े, चाहे भागवत, कृष्ण की बात हम न मानेंगे तो कोई भक्ति मुक्ति शांत दे नहीं सकता। गुरु ज्ञान में अगर हम न देखेंगे तो कोई महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष हमें मुक्त, भक्त, शांत कर नहीं सकता, बना नहीं सकता। इतना सरल परमात्मा की प्राप्ति कभी पराधीनता पूर्वक नहीं होती। संसार की सरकार की ओर हम कभी चलने चलते भी हम कभी स्वतंत्र पराधीन नहीं हो सकते। जिधर चल करके हम पराधीन बने, और जिसमें जिसके समझने के लिए अभी भी स्वतंत्र, अभी अभी हम स्वतंत्र हैं, परमात्मा के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए इंद्रियों के सहारे की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मन की जरूरत नहीं, परमात्मा के लिए यह सुनने और समझने की जरूरत है, उतनी देर तक बुद्धि की जरूरत है, आगे होता अनुभूत के लिए बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। स्थिर भी मुझे बुद्धि उत्तर आप इतना विकास आप लोगों के जीवन में हो सका है बुद्ध का, क्या बुद्धि प्रधान है? ये न होते तो हम आए, न होते बैठे लोग, महाप्रधान व्यक्ति बाजारों में दौड़ रहे हैं, पद के लिए दौड़ रहे हैं, अधिकार के लिए दौड़ रहे हैं, सुरक्षा के लिए दौड़ रहे हैं, मनोमय जीवन, मनोमय पुरुष। हमारे जीवन में अन्नमय पुरुष को, देहाभिमानी को अन्नमय पुरुष कहते हैं, प्राणों के उपाने को प्राण पुरुषमय पुरुष कहते हैं, जहां शक्ति का गर्व, और मन से चाहने वाले को, इच्छाओं के बंडल को, इच्छाओं के बोझा को जो खो रहा है उसको मनोमय पुरुष कहते हैं, और जो इस सत्य जो पुरुष कर रहा है, उसको जो देख रहा है, उसको विज्ञान में पुरुष कहते हैं, और देखते देखते जब उसको पता चल गया यद दृष्टम तम नष्टम, जो दिखता है सब नाशमान है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा जिसको दिख गया विज्ञान में पुरुष करे, उसको आनंद में पुरुष कहते हैं। कितना शर्म, कितना पड़े धोखा करना उसके लिए पड़ता है जो करने से हमसे भिन्न होता, हमसे दूर होता। आप लोग बड़े हैरान हो रहे होंगे, आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, आंख बंद करके ध्यान नहीं लगता, आंख खोल करके भी ध्यान नहीं लगता, सांस को रोक लेने से भी ध्यान नहीं लगता, ध्यान से देखने से ध्यान लग जाता। आज तक हमें बचपन से खिलौना देखने को आया, बड़ा सुंदर खिलौना, फिर इतनी उम्र बीत गई देखते देखते, इंद्रियों से देखना आया, इंद्रियों से देखे हुए मन को पकड़ना आया, लेकिन मन को पकड़ना ना, मन को पकड़ना ना, मन को देखना, मन से देखना भी ना आया, मन से पकड़ना आया, मन को देखना ना अभी तक नहीं, बुद्धि के विचार आया, और बुद्धि के पीछे जो प्रकाश है उसको समझना था। मैं बोलता हूँ गुरुदेव भगवान की जय, फिर पूछ लू मेरा जय, गुरुदेव भगवान की उस दिन जय देना जब आप अज्ञान का आप पर प्रभाव न रह जाए,
मोह समाप्त हो जाए गुरुदेव भगवान की जय, बड़े आनंद से बोलूंगी। लोभ न रह जाए गुरुदेव भगवान की जय, बड़े प्रेम से बोलूंगी गुरुदेव भगवान की जय। लोभ न रह जाए, लोभ न रह जाए, हम रहे लेकिन लोभ न रहे, शरीर और परिवार रहे लेकिन लोभ न रहे, बड़ा बड़ा पदाधिकार रहे लेकिन अभिमान न रहे, अब प्रतीत होने वाला सुख रहे लेकिन आसक्ति न रहे। अब गुरुदेव भगवान की जय हो गई। बेकार झूठ झूठ से जाते हो, धोखा देते हो अपने को और सुनने वालों को। राम की जय, भीतर रावण की जय हो रही है, ऊपर राम की जय बोल रहे हैं। यहाँ देश की दशा, भगवान राम की जय और रावण भीतर कब्जा किए बैठा, क्या बढ़िया बात याद आ रही है संतोष। जहाँ हालांकि सृष्टि, ये जहाँ तक सृष्टि, ये रूपधारी सृष्टि संत के शब्द है, जहाँ ये तंत्रधारी ये सृष्टि है, ये जितनी सृष्टि है उतनी रावण का अवतार, ये सब दशमुख दशमुख से प्रेमित होकर की सृष्टि चल रही है। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तम भारी तो खुले जितना मन बुद्धि को खोल लेना, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तम भारी सब दशमुख दशमुख दश वर्ती नर नारी, दशमुख दश वर्ती नर नारी। रावण के दस मुख थे और अभी अभी हमारे वीर दस मुख वाला रावण मौजूद है, पांच ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां, सारा संसार इनके बस में हो रहा है। बोले रावण को रावण का पुतला जलाया जा रहा है, भीतर के रावण का पता नहीं कैसे कैसी बुद्धि कैसा क्या, लड़ाइयां हो रही है, हत्याएं हो रही। कल भी मैंने इशारा किया मंदिरों के पीछे, मस्जिदों के पीछे, गुरुद्वारों के पीछे, ग्रंथों के पीछे मनुष्य मनुष्य से लड़ रहा है, हत्याएं कर रहा है, और आज तक सत्य का पता नहीं चल रहा, रामायण पढ़ रहा सत्य का बोध नहीं हो रहा है, गीता पढ़ रहा अपने पता नहीं चल रहा है, और कहता है हम सत्संग करने जा रहे हैं, आप लोग भी आयो लौट जाओगे ऐसे ही, अच्छा हो ना लौटो, अच्छा हो आप यहाँ से लौटे ही नहीं, अरे विचित्र शब्द है आप सुन रहे हो, यहाँ से लौटो नहीं तो क्या करो, नित्य सत्य तुम्हें सुलभ है वही ठहर जाओ, अपने अहंकार को इस सत्य में जन्मता देखने लग जाओ, अब ठहर गए तुम्हारा शरीर हजारों कोष की यात्रा करेगा लेकिन तुम ठहरे भी पाओगे कहा, जिसमें जिसके तुम हो आय महात्मा बुदा के सर्वभूता शास्त्रता, ये भगवान के शब्द। मैं सब भूतों का सब प्राणियों का आश्रय आत्मा के रूप में उनके हृदय में प्रतिष्ठित। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, भोग सुख का अंत दुख है, भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी जिसे देखो उधर ही ललचा रहे हैं, जो सतत वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, वही मानव देखते नबी योग को, देखते नबी योग
को संयोग में ही देखते, नवयोग को संयोग में ही। कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं, कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं, वही मानव जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, वही जीवन व्यर्थ खोते जा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। असत दृश्य जगत दृश्य जिन्हें असत्य न दिखता है, जगत दृश्य जिन्हें असत्य न दिखता है, वही बंधन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं, वही बंधन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। देह को ही रूप अपना मानते जो, देह को ही रूप अपना मानते जो, वही जीव विनाश पथ में जा रहे हैं, वही जीव विनाश पथ में जा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जो कि अपना सत स्वरूप न जानते हैं, जो कि अपना सत स्वरूप न जानते हैं, वही चिंतित भयातुर घबरा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जिस तरह से मुक्ति मिल सकती सुखों से, जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं, पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आप यहाँ सत्संग कर रहे हो, कोई जूता उठा ले जाए तो कैसा लगे? गुस्सा आएगा कि नहीं? अच्छा, कल जूता ले जाने वाला मिल जाए तो क्या दशा होती, तो क्या असर है? लेकिन वो चप्पल, जूता, छड़ी और छाता और धन और जमीन ले जाने में जो परिणाम बड़े बड़े भजन करने वालों के ऊपर जो हो रहा है, वो तो कभी सोचते हैं कि सामान के पीछे, चोरी के पीछे, धनहान के पीछे, घड़ी जाने के पीछे, सोने की चूड़ी चले जाने के पीछे जो हमारी मन व्यथित हो रहा है, कौन व्यथित कर रहा है? चोर की लोभ? किसी को याद आता है कि लोभ हमें परेशान कर रहा है? और उस समय संतोष धारण करने में कितना पैसा खर्च होगा, कितना रुपया खर्च होगा? भूमि चली गई, धन चला गया, परिवार का प्रिय संबंधी चला गया, और हमारा विवेक अगर जागृत है तो परमात्मा को नहीं चला गया ये कहेगा, परमात्मा का ज्ञान तो नहीं चला गया ये सोचेगा, परमात्मा के गुण तो चोर साधु नहीं छीन ले गए ये सोचेगा। आप लोग ऐसा सोचो तब हम कहेंगे आप भगवान का आदर करते हो, भगवान की परवाह करते हो, और अभी क्या परवाह है, लोग क्या कहेंगे, और दैवी संपदा की हानि हो रही है, गुरुजन क्या कहेंगे, हमारी सरलता में, हमारी नम्रता में, हमारी उदारता में, हमारी सहनशीलता में बाधा पड़ गई, गुरुजन क्या कहेंगे इसकी प्रश्न ही नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे इसकी बड़ी प्रश्न। आज का साधक यहाँ भूला हुआ है, आप लोगों को इशारा किया जा रहा है कि अब से सही, आज से शुरू की दैवी संपदा की ज्यादा परवाह करो, सांसारिक संपदा के पीछे दैवी संपदा की क्षति हो रही, बड़े शांत थे, रोध आ गया, निंदा होने लग गई, घृणा हो गई, क्या क्या हो गया, और यह न सोचा कि हमारी ये दशा में संत जन इस दृष्टि से देखते होंगे कि जरा भी प्रश्न नहीं, संत कैसे देखते, हमारी लोभ की वृत्ति को, मोह की वृत्ति को, ईमान की वृत्ति को, क्रोध की वृत्ति को, ईर्षा द्वेष की वृत्ति को गुरुजन कैसे देखते होंगे, प्रश्न ही नहीं उठता, गुरुजन क्या कहेंगे, प्रश्न उठता है लोग क्या है, ये दोष सब में कि नहीं, आज से सही सावधान हो जाओगे दैवी संपदा की रक्षा में तुम्हें कोई हानि न उठानी पड़ेगी, और सांसारिक संपदा की रक्षा में हानि तो निश्चित बची नहीं सकता, बच सकता है, तो धन की का संचय करते करते धन के लोग ही मर जाते हैं, परम प्रभु के प्रेमी उदार दानी बन कर जाते हैं, दैवी संपदा की रक्षा करो, दुर्जन क्या कहेंगे ये प्रश्न उठाओ, भगवान का मत क्या कहेगा ये प्रश्न उठाओ, संसार क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत करो, तब तुम सत्य दिशा में साधक। नारायण ऐसा कुछ हो ही Thank you.
मंजिल की बात तो ये है, साधना के द्वारा किसी प्रकार हम उसको पहचान ले जो अपनी अनुभूति में, सत्य दर्शन में, स्वरूप दर्शन में बाधक दीवार बन रही है। वो दीवार क्या है? एक मात्र अहंकार। आप लोग अगर याद रख सको, अहम तो सत्य है, लेकिन अहंकार जब मेरा मान लेता है आकार तो झूठ है। उनको कहते हैं भगवान से लोग धन मांगते हैं, भोग मांगते हैं, जाने क्या क्या मांगते हैं। आप जैसे साधक मांगे कुछ नहीं, केवल देखना शुरू करें और फिर ये तय कर लें बाधा क्या है, आकार, काम के आकार। कई बार बताया जा चुका है अहंकार क्या है, जहां मेरा कहा आकार बन गया। थोड़ी देर जब परमात्मा का ध्यान करते हो, स्वरूप का ध्यान करते हो, तो ध्यान से तुम मेरा हटा दो, मेरा याद ना हो, और फिर पता लगाओ क्या बचा। मेरा हटाने के बाद आकार नहीं बचेगा, केवल अहम ज्ञान बचेगा। और अहम ज्ञान जब शेष रहेगा, अहम ज्ञान पर आत्मा से ही प्रस्फुटित हो रहा है। बड़ी छोटी सी और बड़ी भारी बात है, बशर्ते कि बुद्धि पकड़ ले तो। न कहीं भागना है, न जाना है। अभी तो आपको न मुक्ति की जरूरत है, न भक्ति की जरूरत है, न शांति की जरूरत है। अभी सुख की जरूरत है, सुख के लिए सामान की जरूरत है, सामान के लिए धन की जरूरत है, और तीनों के साथ संयोग की जरूरत है, और इच्छित भोग की जरूरत है, और मरते मरते मान की जरूरत है, और नाम की जरूरत है। भगवान से मिले तो उनसे भी मांग देंगे, संसार से मिले तो उसके आगे भी दौड़ेंगे, गुरु महात्मा से मिले तो उसको उनको भी न छोड़ेंगे। सोच लेना, और जब तक ये जरूरत है तब तक हम अपनी महिमा को भूले हुए हैं, सत्य की महिमा को भूले हुए हैं। तब तक हम सत्संगी नहीं है, सत्संगी ये होश दिया तुमने ही को, जब अहंकार को पहचाना तुम वही प्रगट होते रहते रहता है जो कुछ भी सामने आता है, जो कुछ भी सामने आता है, मैं देख देख मर जाता हूँ, इस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, यह दर्शन की दृष्टि। और दर्शन की दृष्टि क्या हुई? शुद्ध बुद्धि। भगवान कृष्ण को मानते हो तो उन्होंने कहा विश्व, यानी बुद्धि की विशेषता है विशुद्धया बुद्धि, उसी तरह विशुद्ध बुद्धि देगा। दर्शन की दृष्टि आंख तो आकार को देखेगी और बुद्धि दृष्टि निराकार को पहचाने। ये आंखें तुमको क्या देखेंगे, सब आंखें तुमसे रोशन है, सब आंखें तुमसे रोशन है। खोज में भटकते वे जिनको, खोज में भटकते वे जिनको, दर्शन का अभी सहूरन नहीं, दर्शन का अभी सहूरन नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें तुम्हें मुझको तो अपनी किस्मत के, मुझको तो अपनी
समझ नहीं। यह समर्पण हम क्या सोचते हैं, हमारी बुद्धि क्या सोचती है, प्रार्थना करते हैं। जब हमें सही ज्ञान नहीं तो हम प्रार्थना क्या करेंगे, हमारी प्रार्थनाएं गलत हो जाए। शरणागत जिसे कहते हैं, एक बार अपने को दे दो, तुमसे ज्यादा वो जानता है जिसे सारा संसार। हम परेशान होते हैं प्रभु ऐसा करो वैसा करो, जैसे वो ना समझ हो उसको बताते हैं, तुम्हें पता नहीं हम क्या चाहते हैं। कितनी हमारी प्रार्थनाएं झूठी बन जाती है। मुझको तो अपनी किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं, जो ठीक वही तुम करते हो, जो ठीक वही तुम करते हो। मुख्तार जब जब हम हैं तब तुम गुम हो, जब जब हम हैं तब तुम गुम हो, हम गले की बस तुम ही गुम हो, हम गले की बस तुम ही गुम हो। सब और तुम ही सब पथिक और कुछ चाहिए, हमारे बंधन हमारे बनाए हुए हैं। और जो हमारा बनाया हुआ है, हमारा भगवान इतना ईमानदार है कि हमने जो बनाया है वो नहीं छीने। कुछ सोच लेना बात बड़ी तत्व की, जो हमने बनाया है वो भगवान भी नहीं छीनेगा, इंसान की कौन कर। लेकिन ये भी याद रखना, जो तुमने नहीं बनाया है और तुम्हें प्रकट की ओर से परमात्मा की प्रकट से मिला है वो तुमसे छीन जाए। आप कोशिश करो, जो तुमने नहीं बनाया है वो प्रकृति का से मिला है, और जो प्रकट से मिला है वो तुमसे छीन जाएगा, तैयार रहना। अब तुमने बनाया है वो कभी न छीनेगा, बड़ा निर्णय कर लो तुमने क्या बनाया। बड़ा छोटा सा प्रश्न है, और 30-30 बरस सत्संग करते बीत गए, ये न सोच पाए कि हमने क्या बनाया और परमात्मा से क्या मिला और परमात्मा के प्रकट से क्या मिला, कुछ उठा ही मिला। आज समझ लो अगर याद रह जाए, पहले मैंने कह दिया था मुक्ति भक्ति शांत तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन कभी तो जरूरत पड़ेगी। क्यों, जहाँ हो वहाँ रह न सकोगे, और जिसको अपना मानते हो रह न सकेगा, तब क्या होगा, हाय हाय कि वाह वाह। कुछ समय जरूरत पड़ेगी, तब सोच लेना ईमानदारी के साथ कि जो हमने नहीं बनाया वो परमात्मा की प्रकट से मिला है। जो प्रकट से मिला है एक नियम से मिलेगा और नियम से छूटेगा। लाख कोशिश करो बच नहीं सकता, तुम्हारे काले बाल सब सबके सफेद हो जाएंगे, तुम्हारे हो गए हमारे भी हो गए, इनके भी नहीं हुए तो जैसे ऐसे ही बने रहेंगे। कुछ न रह जाएगा जो तुम्हें प्रकट से मिला है। इतनी निर्भयता के साथ तैयार रहो, हमारी गांठ का क्या है जो जाएगा, अब तुम्हारी गांठ का है वो भगवान जी न छीन ना, फैसला तो कर लो। तीसरा प्रश्न एक और है, जो परमात्मा से मिला है वो कभी न छूटे। तीन, जो परमात्मा से मिला है कभी न छूटे। अगर तीन प्रश्न हल कर लो, क्यों बाबू जी पीछे बैठे हो, तीन प्रश्न, परमात्मा से क्या मिला है कभी न छूटेगा, परमात्मा से जो मिला है कभी न छूटेगा,
परमात्मा से जो मिला है कभी न छूट। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, और संसार से मिला है रहेगा ही नहीं। संसार से जो मिला है वो रहेगा ही नहीं, और तुमने बनाया है तुम्ही को छोड़ना पड़ेगा। बड़ा साफ मामला, आज से तय कर लो। प्रकट से जो मिला है आ जाने, बड़ी सरल सरल बातें हैं, और इनको समझ लो सारा भटकना तुम्हारा बंद हो जाए। इंसान के साथ बेईमानी करने वाले तो शायद आप लोग नहीं, लेकिन भगवान के साथ बेईमानी करने वाले सब लोग, और सबसे पहले हम। आप नाराज नहीं हो तो भगवान के साथ बेईमानी क्या है, जो भगवान से मिला उसको जानते नहीं, और भगवान के विधान से माया से मिला उसको अपना मानते, और हमने बनाया उसका पता ही नहीं लगा। कोई संसार में संत महात्मा नहीं, कोई गीता वेद नहीं, ये तीन बातें समझे बिना हमारे दुख कोई मिटा सके। ये दुख हमारे द्वारा मिट जाए, आपने जो बनाया है वो आपको ही हटाना पड़ेगा, और जो परमात्मा की प्रकट से मिला है उसको हटाना ना पड़ेगा। आप ही आप हट जाए, तैयार रहना। जो शरीर मिला है, जो शक्ति मिली, जो नाम रूप मिले हैं, जो माया मिली है, धन मिला है, धूम मिला है, जो मिला है तुमको छोड़ना ना पड़ेगा, सब छूटता है। तैयार रहो तब छूटता, और घबरा न जाना, जो मिला है वही छूटेगा। लेकिन ये याद रखना, तुरंत परमात्मा से जो मिला है कभी नहीं छूटेगा। अगर ये भूल गए तो वापस परमात्मा से जो मिला है कभी नहीं छूटेगा। परमात्मा नित्य है, निरंतर है, अभी है, यही है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सबका है, सब में है, कभी नहीं छूटेगा। तो परमात्मा तुम्हारे साथ किस रूप में है, जड़ के रूप में कि चेतन के रूप में? अब चेतन कभी छूटेगा? गलत उत्तर दे रहे हो क्या? चेतन कभी छूटेगा कि नहीं? अगर मृत्यु आएगी तब छूटेगा कि नहीं? ये समझ जानते हो? अरे तब फिर हाय हाय काय करते हो, काय करते हो, तब तो तुम बड़े धोखे में। परमात्मा अनित्य अखंड चेतन कभी न छूटेगा। तुम कहोगे मर जाएंगे, मरेगा कौन? कबीर साहब कहते हैं पांच तत्व का पुतरा, पुतरा का जो भी शरीर, फिर वाही में गमन, उसी में फिर गमन हो रहा है। मैं तू ही पूछू पंडिता, या मैं मर गया कौन? कौन मरा? पांच का शरीर यहाँ छूट गया, और फिर पांच का फिर शरीर में जा रहा है, मरा कौन? तुम कभी न मरोगे, तुम अविनाशी हो। लेकिन भूल क्या हुई? विनाशी को अपना रूप माने बैठे हो, और कहते हो हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, हम सत्संग करते हैं। अब विनाशी मेरा, मैं काला गोरा मोटा दुबला, अब बताओ इस तुम्हारी मन की माया को कौन हटा पाए? तो क्या करो, विनाशी में अविनाशी को जान दो। कहा जब सत्संग मिल जाए तब, और कुछ न करना, न छोड़ना न पकड़ना। विनाशी में अविनाशी, पति के विनाशी शरीर में अविनाशी, पत्नी के विनाशी शरीर में अविनाशी, पुत्र और नाती नाती पोता सबके शरीर विनाशी शरीर में, जहाँ आंखों से विनाशी दिखता वही तुम्हें ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि दृष्टि से अविनाशी। इतना सरल है, आंखों से देह को देखो और विनाशी देह में अविनाशी चेतन आत्मा को देखो, वो आत्मा तुम हो कि और कोई? अहम आत्मा, अहम आत्मा, अहम आत्मा। तुम राम राम जपो हम मना नहीं करते, कृष्ण कृष्ण जपो हम मना नहीं करते, कोई खुदा जपे कोई अल्लाह जपे, हम कहते हैं थोड़ी देर अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे सोहम सोहम कहते हो, शिवोहम कहते हो, ठीक है, लेकिन धोखे में न रहना, कहीं ऊपर ऊपर तो शिवोहम नहीं निकल रहा, भीतर देहो हम ऊपर गड़बड़ हो जाए। बालक भी शिव ओम कह सकता है, बालक भी शिव ओम कह सकता है, और एक बूढ़ा भी वो शिव ओम का बोध करने में देर लगा रहा है। तभी होगा जब तुम आत्मवान बनोगे। गीता का बड़ा छोटा सा बात है, आत्मवान। कल मैंने बताया था, देहवान, धनवान, बलवान, गुणवान, कुलवान, जाने क्या क्या आवान, आत्मवान। नेत्रों को बंद हो जाने दो, पलक न उठाओ, भीतर चेतना का अनुभव करो, मैं देहवान नहीं हूँ, मैं आत्मवान हूँ।
मैं पतिवान पुत्रवान पत्नीवान नहीं हूँ, ये विनाशी संबंध है, रहने दो संसार में व्यवहार के लिए, लेकिन मैं आत्मवान हूँ, ये ध्यान है। अगर तुम कृष्ण का ध्यान करते हो, कृष्ण की बात न मानो तो कृष्ण अगर तुम्हें मिल भी जाएंगे, अगर कृष्ण की बात न मानोगे तो सुख तो मिलेगा लेकिन दुख ना? राम मिले लेकिन राम की बात इन्होंने नहीं मानी, इनके दुख नहीं। कृष्ण मिले और कृष्ण की बात जिन्होंने नहीं मानी, इनके दुख नहीं मिले। गुरु मिले और गुरु की बात नहीं मानी, दुख नहीं मिले। गुरु की बात कौन नहीं मानता? जो माता पिता परिवार की बात मानता है, और परिवार की बात मान करके वो मेरा 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 रखे चला जा रहा है, वो गुरु की बात नहीं मानता। गुरु की बात नहीं मानता। तुम छोड़ आए हो अपने अपने नगरों में, अपने अपने घरों में, जो भीतर मेरा मालूम होता है कि नहीं, और जहाँ बैठे हो ये सब मेरा मालूम होता है। आश्रम है, आश्रम है, और हम जहाँ से आए हैं वहाँ हमारा घर है, वहाँ हमारा परिवार है, वहाँ हमारा धन है, वहाँ हमारी तिजोरी है, सब कुछ वो मेरा मालूम होता है। परिचय देते हो, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का भाई। आज तक सत्संग में आने वाले भी लोग परिचय देते हैं, गलत नहीं देते, परिचय दो, परिचय दो। जैसे कि सिपाही सरकार का कर्मचारी है, डॉक्टर है, सिपाही है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, तो ऊपर से वो परिचय देगा अपनी वर्दी से, अपनी पोशाक से कि मैं कमिश्नर हूँ, कलेक्टर हूँ, थानेदार, और ऊपर से भीतर में क्या समझेगा, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, दोनों चीजें से नहीं। वहां बन जाएगा अदालत में, कार्य क्षेत्र में पदाधिकारी, अम्मा के सामने आएगा तो पदाधिकारी कहेगा, पदाधिकारी नहीं कहेगा बेटा। ये भी जो याद है उसे कि मैं बेटा हूँ, तो भूलता नहीं है। यहाँ तीसरी बात, बचपन से जो मान लिया है मैं किसी का पुत्र, किसी का पिता, किसी का पति हूँ, ये पदाधिकारी बनने पर वो नहीं भूलता, लेकिन वो उसे भूल गया कि मैं जिसका है। संसार से जो मिला पद उनको ऊपर चल रहा है, और परिवार से मिला जो संबंध वो भीतर भीतर चल रहा है, और भगवान ने जो कहा वो ना भीतर है ना बाहर है, बताइए भगवान ने क्या कहा? मम युवांशो जीव लोके, कहा है कि नहीं कहा? अगर ये भी याद आ जाए, भाई मेरी पत्नी नहीं रही, मेरा पुत्र नहीं रहा, मेरे पिता नहीं रहे, मेरा धन नहीं रहा, तो मेरे भगवान भी नहीं रहे, भगवान है कि नहीं? तो जब पिता पुत्र पत्नी धन संपत्ति भूमि भवन नहीं रहता तो भगवान भी नहीं रहते। उस समय किसी को याद आया, सब छूटा लेकिन परमात्मा मेरे साथ है, ये है सत्संगी। इसको सत्संगी कहें, वरना वेद सुना दे, गीता सुना दे, रामायण कंठस्थ सुना दे, वो सत्संगी नहीं, उस पर असत का प्रभाव है। तुम चाहो तो सत्संगी बन सकते हो, हम नहीं बना सकते, बल्कि हम गलत भाषा बोल रहे हैं। सत्संगी तुम हो और बने हो सत्संगी, बनावट छोड़ दो तो सत्संगी तो होगी, बनावट छोड़ दो। जैसे पकड़ा है तैसे उस पकड़ को छोड़ो, आप मान दो करके रहो। इस समय की चर्चा में आपको विशेष जोर दिया गया है, देहवान धनवान बलवान रूपवान कुलवान पतिवान पुत्रवान नाती पोतावान, और यहाँ क्या कहा जा रहा है भगवान का, कहते आत्मवान, तुम आत्मा हो, तुम चेतन। थोड़ी थोड़ी देर पर दिन में अनेक बार जहाँ किसी के बेटा, किसी के पिता, पति या पत्नी आ जाते हैं, क्या भगवान कहते हैं हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, जो भगवान है वो हम है, ये भी आता है। इसका तुमने सोचा, तुमने मानेगी, तुमने रामायण पढ़ ली, गीता तुमने पढ़ ली, अगर ये भूल गया तो ऊपर ऊपर तक चल रहा है। आत्मान क्या खाता है, छोड़ने को कुछ नहीं कहा जा रहा, केवल देखने को कहा जा रहा है। छोड़ने को क्यों नहीं कहा जा रहा है? पहले क्या कहा था? जो तुम्हें प्रकट से मिला है अपने आप छूट जाएगा, और जो परमात्मा से मिला है वो कभी न छूटेगा, और जो तुमने बनाया है तुम्ही को छोड़ना पड़ेगा। प्रकट से मिली है संबंध शरीर, और तुमने क्या बना लिया, उनको कह दिया मेरा, जहाँ मेरा कहा अभी तुमने बना लिया। धन तुम्हें संसार से मिला, धन रह जाएगा, और मैं धनी हूँ तो लोग बाहर है कि भीतर? धन बाहर और लोग भीतर, भूमि भवन बाहर और मेरा ममता भीतर, परिवार के शरीर बाहर
मेरे अपने आसक्ति भीतर भीतर की बनी रहेगी, बाहर का सब छूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम क्या करो, छोड़ दो, छोड़ने पर भी न छूटे। अब भीतर का छूट जाए तो बना रहने दो। इस तरह जो रहता है संसार में वो सत्संगी है, ज्ञानी है, और इस तरह नहीं रहता तो उसको कृष्ण के दर्शन हो जाए, राम के दर्शन हो जाए, गुरु के साथ हरदम रहे तब भी अज्ञानी है। अब और क्या सुनोगे इससे अधिक? सर मैं तो यही कहता हूँ तुम्हें हजार जप करना, इतनी देर मंदिर में बैठना। मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर अपने पास ठहर करके रुक जाना, बुद्धि को रोक लेना, और दिन में शाम सुबह से शुरू करो, रात को सोने लग जाओ। मैं परमात्मा का आत्मा, आत्मा ये देह ये सब बाहर ये संसार से मिला है छूटने के लिए, मैं परमात्मा का हूँ, कभी न छूटेगा, कभी न छूटेगा। एक बात अभी हमने नहीं बताई, परमात्मा से क्या मिला? एक एक इशारा किया था, चेतन परमात्मा है और तुम चेतन हो। परमात्मा अखंड ज्ञान स्वरूप, रामायण में क्या लिखा? ज्ञान अखंड एक शिक्षा। भागवत में क्या लिखा है? ज्ञान मतलब ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। केवल ज्ञान अद्वैत ज्ञान, जहाँ दूसरा कोई नहीं रह जाता, ये ज्ञान परमात्मा का है, प्रेम परमात्मा का है, शक्ति परमात्मा की है। तीन चीजें तुम्हें परमात्मा से मिली है, कोई नहीं छीन पाया। चाहे नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे कुछ बनो, तीन चीजें परमात्मा से मिली, कोई छीनेगा ही नहीं। अब संसार से मिले है, मिला है, वहाँ रहेगा ही नहीं। अब तुमने बनाया है, तुम्हें तो छोड़ना पड़ेगा। हमने सदा के लिए एक बात बता दी, हम न मिलेंगे, लेकिन इसके द्वारा तुम मुक्त हो सकते हो, भक्त हो सकते हो, शांत हो सकते हो, स्वस्थ हो सकते हो। हमारे पास आने का मन हो क्यों जा रहे हैं? बुद्धि से पूछो, क्या उत्तर होगा? बुद्धि कह रही है मन से, स्वामी जी के दर्शन करने चले, बहुत दिन हो गए हैं, बड़ा लाभ होगा, सत्संग मिलेगा, ये मन कह रहा है। बुद्धि से बुद्धि पूछे, बुद्धि पूछेगी क्या मिलेगा, तो क्या उत्तर होगा? अच्छा, और तुम्हें कई बार बता दिया गया है, तुम भूल जाते हो। तब बुद्धि कहेगी मन देवता, तुम कहते हो सत्संग मिलेगा, और वहाँ तो सुन आए हो कि आत्मा ही सत्य है और नित्य प्राप्त है, हृदय में विराजमान है, तो आत्मा का संग सत्संग है कि देह का देखना सत्संग है? क्या उत्तर? अब बुद्धि का उत्तर दे मन, बस एकदम मन चुप हो जाना चाहिए, कहते बैठो बैठो, चालाकी मत करो, सत्संग के लिए जा रहे हैं, तो आत्मा सत्य है। बस बुद्धि बुद्धि कहेगी बस यही, वहाँ जा रहे हैं जिस ज्ञान के लिए, वो ज्ञान तो मैं ही हूँ, वहाँ जा रहे हैं सत्संग के लिए, उस सत्य आत्मा तो मैं ही हूँ। अब बुद्धि से कहो, मन को तो छोड़ो, बुद्धि से बुद्धि कहे मुझे संग कर, अहंकार बुद्धि को लेकर के अब आत्मा का संग करो, मन की न मानो, बस ये साधन है, मन की पूर्ति न करो, जो शक्ति हो सेवा में लगा दे, घर में रहो किसी की पूर्ति हो रही है, पत्नी हो चाहे पुत्र हो, अब हमें कुछ न चाहिए, न पुत्र से, न पत्नी से, न पति से, न माता से, न पिता से, हमारे लिए परमात्मा ही पूर्ण है। तब क्या करें? परमात्मा जो शक्ति मिली है उस सेवा में लग जाए, ये संकल्प होना चाहिए। बस फिर हमारे पास हम तो यही बता चुके, हमारे पास आने का ही लाभ है कि जो नहीं जानते हो जान लो, और उसके अनुसार आचरण करो। अब हमारे पास दौड़ते हो तो मन चुप, क्या सुनो, कथाओं में जाओगे मन चालाकी कर रहा, वो आते थे कि हम भी जाते रहेंगे, हम भी अयोध्या जाते रहेंगे, हम भी गुरु महाराज के पास जाते रहेंगे, तो मन को तो पट्टी मिल गई, पूर्ति करके देख लो। हम नहीं कहते कि हमारी बात माने, अच्छा तुम अयोध्या जाके देख, अयोध्या जाने लायक न रह जाएंगे जाने वाले, वो ऋषि जो अयोध्या जाने का पक्ष लेते थे, जानने लायक न रह जाएंगे। रामायण में लिखा राम कथा जो सुनते रानी रथ विशेष, हम कहते हैं सुनते सुनते, अगर नहीं रहेंगे सुनते रहेंगे, सुनने लायक कहाँ नहीं रह जाएंगे, तब क्या करोगे, क्या जवाब है आपके पास? इन कथाओं में हम हमें भीग जाते हैं, अटक जाते हैं, गलत है, हमारी बात का जवाब दो। रामायण में लिखा राम कथा जो सुनते रानी रथ विशेष, फिर जाना नहीं, इसलिए कथा सुनते रहो। अच्छा सुनते रहो, जब कान जवाब दे रहे हैं तब क्या करोगे? हाया करोगी कि वाह हुआ, अंत ये हुआ कि हम सुन नहीं पाते। अरे सुनना काहे के लिए होता है? करना होता है कि हम जल्दी जल्दी न करने की दशा में पहुंच जाए। सुनना इसलिए होता है कि जल्दी जल्दी हमारा सुनना समाप्त हो जाए। देखना आंखों से इसलिए होता है कि देखने का अंत हो जाए, हम अनंत में पहुंच जाए। ये है, आप लोग देखने में लगे हुए हो, सुनने में लगे हुए हो, जाने में लगे हो, तो क्या होगा? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
वर्तमान समाज के भीतर एक दर्शन मिलता है। एक तरफ दर्दीला मातम, एक तरफ दर्दीला मातम, एक तरफ त्योहार है विघ्ना के बस इसी तरफ दर्दीला मातम।
जग में सुख के क्षण तो अल्प है, सुख के क्षण तो अल्प है, सौ आंसू पर एक हंसी, सौ आंसू पर एक हंसी, यह विधना का संकल्प है, यह विधना के संकल्प है। इस अनजान खिलाड़ी का तो जिसको हम जान न पाए, इस अनजान खिलाड़ी का तो बहुत निचूर खिलवाड़ है, विधना के बस इसी के अंदर अज्ञान ही लाचार है, तो सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो सज्जनों, थोड़ा परमात्मा की दी हुई बुद्धि के द्वारा और प्रभु की कृपा से मिले हुए सत्संग के द्वारा और पुण्यवानों के पूर्ण सहयोग के द्वारा आपको जो ये स्व अवसर मिल रहा है, यदि इसके द्वारा अपनी ओर लौट पड़ो, एक बार अपना अध्ययन कर लो, तो जिस शक्ति से हम दुख के पथ में बढ़ते चले गए, जिस शक्ति से अनेकों अपराध बनते चले गए, जिस शक्ति से हम अपने बंधन बढ़ाते चले गए, बंधन जिस शक्ति से, जिस बुद्धि से, जिस योग्यता से वृद्धावस्था में हम कहां पहुंचे, उसी शक्ति के सदुपयोग से, उसी समय के सदुपयोग से, यानी एक शब्द में मिले हुए के सदुपयोग से हम भक्ति मुक्ति शांति पा सकते हैं। कब जब सदुपयोग करें, भीख मांगने से नहीं, गिड़गिड़ाने रोने से नहीं, भगवान दया करो ये चिल्लाने से नहीं, बल्कि भगवान की कितनी दया साथ चल रही है ये देखने से, भगवान की कितनी कृपा हमारे साथ चल रही है ये देखने से, मांगने से नहीं।